वो ऐलान 23 में ही करना था, 23वीं को चार्ज देना था, लेकिन अब 25 का अनाउंसमेंट किया है कि जान रहे हैं कि यादव भी हमको इनकार कर रहा है, यादव भी हमको पसंद नहीं कर रहा है। आम आवाम गरीब गुरबा का परिवार बिलट रहा है, उजर रहा है, पूरा परिवार पूरा खानदान समाप्त हो रहा है, इसलिए इन पर FIR होना चाहिए। NDA की सरकार हो चाहे UPA की सरकार हो, सरकार नीतीश कुमार का बिहार में है, उनके द्वारा उनके 5 पंचाली अधिकारी के द्वारा जो सिस्टम तय होता है वही चलता है। तेजस्वी यादव पर लाठीचार्ज नहीं हुआ था, सब पर लाठीचार्ज करवाएंगे, फेरा फेरी सबको पिटवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल महागठबंधन की विधायक दल की बैठक में यह ऐलान किया है कि 2025 विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय, हम उनसे बात करेंगे। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2025 का जो चुनाव है उनके नेतृत्व में, उनको ऐलान 23 में ही करना था, 23वीं को चार्ज देना था, लेकिन अब 25 का अनाउंसमेंट किया है कि जान रहे हैं कि यादव भी हमको इनकार कर रहा है, यादव भी हमको पसंद नहीं कर रहा है, तो ये प्रलोभन देके यादव को रोकना चाह रहे हैं कि 24 तक यादव कम से कम हमको वोट दे दे, PM हम बन जाए, इसलिए ये प्रलोभन दिए हैं। बाकी न 23 दिया है, न 24 देगा, न 25 भी देगा। नीतीश कुमार जी किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब से कई व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये डायरेक्ट जो जहरीली शराब से मौत हो रहा है, इसके जिम्मेदार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, और ये विफल हो चुके हैं, और आम आवाम गरीब गुरबा का परिवार बिलट रहा है, उजर रहा है, पूरा परिवार पूरा खानदान समाप्त हो रहा है, इसलिए इन पर FIR होना चाहिए। पर लगातार तो कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू है, उसके बावजूद भी जब NDA की सरकार थी तब भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलती थी। NDA की सरकार हो चाहे UPA की सरकार हो, सरकार नीतीश कुमार का बिहार में है, उनके द्वारा उनके 5 पंचाली अधिकारी के द्वारा जो सिस्टम तय होता है वही चलता है, बाकी सब पंगू है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से बीते दिनों पहले तारीख को लेकर भी जो पासी समाज के लोग हैं वो सड़कों पे उतरे थे, उन पर भी लाठी चार्ज किया गया था? ये तो बस चलेगा तो तेजस्वी यादव पर लाठी चार्ज नहीं हुआ था, सब पर लाठी चार्ज करवाएंगे, फेरा फेरी सबको पिटवाएंगे, ये बिहार की जनता समझ चुकी है, कुरहनी में इनको बताने का काम कर दिया। और कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा मुक्त करेंगे पूरे भारत को, भारत से उनका बुद्धि फिर गया है। भाजपा मुक्त करने वाले कहाँ चले गए? कांग्रेस मुक्त हो गया, अब आए हैं जदयू वाले, तो इनको तो एक जिला में भी सीट एक भी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कह रहे हैं कि लाल किला पर झंडा फहराएंगे, सपना देखना कोई बुरी बात है? सपना देखना चाहिए, औकात में रहना चाहिए। चलिए, सपना देखना अच्छी बात होती है, ये कह रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार के छपरा ज़िले में जहरीली शराब से कई व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर भी आज बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भाजपा के तमाम जितने भी विधायक हैं वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। ऐसे में आपको हमने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय का पूरा बयान सुनवाया है कि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन विधायक दल की बैठक में बड़ा ऐलान किया था, जिस पर भी आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने बड़ा पलटवार किया है। बड़ा लब बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।